बर्थडे। जबरदस्ती कदा मार रहा है। उस साइड ना मसूरी है तो पूरा बादलों से ढक रखा है। तो यार यहाँ पे सभी बैठ गए, अपना टेबल यहीं पे लगा है। ये तो टीपू का क्लासमेट है, पता है? तो यार फाइनली टाइम आ चुका है केक कट करने का, भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो वेलकम टू ऑल। तो कैसे आप सब? सो यार फाइनली काफी समय बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड फिलहाल अभी तो मैं ऑफिस में, नाश्ता सब हो चुका है तो अभी चलते हैं केबिन में एंड काम करते हैं, देन फिर चलते हैं। तो यार यहाँ पे तो हो गया अपना लैपटॉप सेटअप, तो अभी चलते हैं बाहर। एंड यार ये है आज का मौसम, देख रहे हो कहीं बादल लग गए, कहीं धूप आ रही है, कहीं पूरा सही है। एंड उस साइड ना मसूरी है तो पूरा बादलों से ढक रखा है। तो फिलहाल यहाँ तो आजकल डेली ऐसा मौसम है, डेली ही बारिश आ रही है। एंड आज है बर्थडे सेलिब्रेशन, किसका है? वो है छोटे भाई का, टीपू का। फिलहाल यार मैं तो हूँ ऑफिस में, पहले आज ऑफिस का पूरा सामान निपटाएंगे, देन फिर शाम को चलेंगे आज हम डिनर करने के लिए, टीपू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल मैं तो सोच रखा एक जगह, लेट्स सी कैसा रहता है। तो चलते हैं जैसे केबिन पैन काम करते हैं। यार मैं तो पहुंचे हुए कमरे पे, एंड अपना हो गया लंच टाइम। तो फिलहाल अपना खाना आ चुका है, फटाफट से खाना खाते हैं। एंड मौसम ख़राब होने वाला है, बारिश होने वाली है भयंकर। तो फटाफट खा के मैं तो निकलता हूँ ऑफिस दोबारा, फिर मिलते हैं उसके बाद एंड देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल अभी भाई तो यहाँ नहीं है, भाई अपने दोस्तों के आ गया है। फिर राइट नाउ मैं तो फिर से आ चुका हूँ खा पी के ऑफिस। एंड इतना भयंकर मौसम चल रहा है ना भाई, देखो हवा चल रही है मस्त तगड़ी, पूरा मौसम देख रहे हो पैक हो चुका है। थोड़ी देर में बारिश आ सकती है। एंड आज का मौसम ऐसे ही रहा तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। एंड फिर भाई का बर्थडे ऐसे ही रह जाएगा, तो होप करते हैं कि बारिश ना आए एंड मौसम चेंज हो जाए शाम तक। फिलहाल अभी मस्त तगड़ी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, तो अंदर चलते हैं एंड काम करते हैं। भाई साहब बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ हो रही है ना भयंकर, आवाज़ आ ही जाएगा बारिश का। फिलहाल अभी आपको अंदर जाता हूँ, बोलते ही आ गई यार बारिश यहाँ से। तो यार फिलहाल अभी टाइम हो गया चाय का, टी ब्रेक का, तो फिलहाल अपने हाथ में चाय, तो चाय वाय पीते हैं देन फिर काम करने में फिर से लगते हैं। तो यार ड्यूटी का टाइम तो ओवर हो चुका है, तो फिलहाल मैंने ले लिया बैग एंड अपना हेलमेट। एंड आप चलते हैं यहाँ से कमरे को, देन फिर तैयार होने के बाद निकलते हैं भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलो। तो यार राइट ना सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गुनीतों को पिक करने के लिए, देन फिर चलते हैं कमरे की ओर। तो यार यहाँ पे आ गया है केक, टीपू का बर्थडे बॉयज, हैप्पी बर्थडे भाई। फाइनली ये आ गया कमरे में, अपने दोस्तों के साथ ही है ये दिन भर से। अब फिलहाल अभी ये केक काट के लेके आया है एंड ये गुणिता भी पहुँच गई है। वो तो गिफ्ट देने वाले थे ना, फिर ये निकलती तो चले जाएगा उधर को। कोई बात नहीं यार, अगर ट्रक के फ्लू आजकल बिगड़ गया ना, तिल्ले गिफ्ट लेके आई है वो। हैप्पी बर्थडे की बर्थडे। जबरदस्ती कदा मार रहा है, कदा मारता है, कदा मारता है। अंदर देख तो ले, अंदर कैसा है? ट्राई करके देख इसको, मैं दिखा दूं पहले बाहर वाला कर दो, मैं नहीं दिखाऊंगा। ये है तिल्ले, तेरा बर्थडे गिफ्ट, आज ही पहन सकता है तू ये। अब सोच मैं ये पहनूं या अपना। अच्छा अच्छा, दोबारा मिलते हैं, एक स्नैप ऐसे मार दे इसमें। ये अब लग रहा ना हीरो। कैसा लग रहा है सही बता, जेन्युइन बताना। नहीं ऐसा लग रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, जो तूने पहले पहना था वो सही है या जो अभी तूने अभी पहना है या पहले पहना हुआ था? है तो दोनों सेम, बट जाएगा तो एक के साथ ही। कौन सा लेके जाएगा गिफ्ट? उसके यहाँ जाऊंगा बोलना चाह रहे नानू के साथ जाएगा तू? नानू के साथ जाऊंगा बोला, देखते है फैला लग रहा है। अरे चेहरा खिल रहा है इसमें, सही वो भी सही है, ऐसी बात नहीं है। देख ले अब जो चॉइस है तेरा, यहाँ देखो ना, यहाँ बात कुछ भी चल रही हो अलग वो अलग।
तो फिलहाल टीपू ने फिर से वही पहन लिया जिसने पहले पहना था। गिफ्ट तो उसको पसंद आया बट उसने वही पहना जिसको ज्यादा अच्छा लगा, कि उसको जिसने गले में मोती पहना है उससे ज्यादा मैच कर रहा है। कपड़ा जो मेरा है, मेरा बर्थडे का गिफ्ट हमेशा यही पहन के जाते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मेरे पास भी एक नया शर्ट है, टी शर्ट बोलो शर्ट बोलो, तो मैं भी पहन के दिखाता हूँ एक बार। तो यार ये है अपना नया टी शर्ट जो कर लिया है, बड़ा थोड़ा पुराने सा लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा वो मुड़ मुड़ गया तो दिख रहा है, बट ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा ओल्ड भी याद करना चाह रहा था तो इससे कर मैं पहले भी इस टाइप के कपड़े पहनता था बट तुमने छोड़ दिया ना, तो अब काफ़ी समय बाद ले रहा हूँ। तो यार मैं तो रेडी हो चुका है एंड बाकी सब भी रेडी हो गए हैं एंड सब लोग रेडी होके बाहर जाने लग गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ बाहर। तो फटाफट से चलते हैं एंड केक लेके फिर निकलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए भाई का बर्थडे एंड देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैगी पॉइंट, बट अभी छोटे भाई ने बताया एक जगह तो वहीं देख लेते हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। वापस चलते चलो। और हमने केक ले चुके हैं और केक भी बर्थडे बॉय के हाथ में एंड हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो यार हम लोग तो निकल चुके हैं केक वेक सभी सामान लेके बर्थडे सेलिब्रेशन की जगह पे, एंड अभी भाई लोग ना पहले चले गए हैं तो हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं हमें एंड हमारी लोकेशन कहाँ पे है। तो फटाफट से चलते, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है बता दिया डालो पर चलो। तो भाई लोग यहाँ पहले ही पहुँच गए हैं, हम वहाँ ढूंढ रहे हैं तुम कहाँ मिलोगे हम लोग को। पहले ही पहुँच गए लोग, चलो नीचे यहाँ से नीचे चलो भी चलो। जी लोकेशन और भाई लोग आ गए। तो यार हम लोग तो पहुंच चुके लोकेशन में, लोकेशन का नाम है मोजो बार एंड ये है कुछ इस तरीके से लोकेशन। लोकेशन तो बहुत सही लग रही है, तो फिलहाल अंदर चलते हैं। चलो चलो गाइस, हाँ सब हीरो। अरे अच्छा तुम लोग आगे से बनाओ, अच्छा अच्छा तो भैया तुम्हारे लिए गेट खुले बैठे भयंकर, तुम लोग आने दो। आओ आओ बर्थडे बॉय सबसे लास्ट में। तो यार अपना टेबल चेयर सेट हो चुका है इधर एंड इस तरीके से कुछ लोकेशन, लोकेशन तो सही है। इधर पे लाइव बैंड भी है, गाना भी चल रहा है। तो यार यहाँ पे सभी बैठ गए, अपना टेबल यहीं पे लगा है। ये तो टीपू का क्लासमेट है, पता है दोस्त है वो। दोस्त है इसको, ये इतना महंगा है इसको पता ही नहीं है। दोस्त निकला है स्कूलमेट है क्लासमेट है। तो यार यहाँ पे तो कोल्ड ड्रिंक्स शेक्स मॉकटेल्स आ चुके हैं एंड यहाँ पे चल रही है फोटोशूट। ओके केक रिवील हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा सा केक पांडा टाइप पांडा गेट रेडी है। तो यार अब टाइम आ गया केक कट करने का, तो फटाफट से कैंडल वैंडल लगा दिया एंड जब तक वो जलाती है यहाँ पे अपना स्टार्टर आ चुका है। व्हाइट सॉस पास्ता मोमो हनी चिली पटेटो आया था बट तो ख़त्म भी हो गया, सब ने खा पी के ख़त्म कर दिया। तो यार फाइनली टाइम आ चुका है केक कट करने का, भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यार बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुकी है, बोले तो केक कट गया है, जो स्टार्टर आया था खा पी लिया है एंड सब खाली हो गया एंड बारिश आ रही है इतनी जोरदार ना भयंकर आवाज़ पता चल रहा होगा आवाज़ से आपको। बस अभी फिलहाल डिसीजन चल रहा है खाने का डिनर का, तो फटाफट डिनर खाते थे फिर निकल जाते हैं टाइम से घर को एंड अभी समय हो गया आपका 10 बजने वाला है भैया टाइम। तो यार फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अंदर क्योंकि बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही है एंड अपना सारा सामान वहीं पर पड़ा है एंड नीचे पूरा कीचड़ हो गया ना, तो इस चक्कर से हम लोग अंदर ही आ गए। तो यार यहाँ पे तो अभी चेस खेलने लग गए हैं, खाना अभी तक आया ही नहीं है भाई, बोरियत चल रही है बहुत। तो फिलहाल तब तक चेस खेल लेते हैं। तो यार फाइनली खाना आ चुका है एंड गुनीता वहाँ पर सर्व कर रही है, फिर फटाफट से खाना खाते हैं एंड बारिश अभी भी स्टिल आ रही है, पता नहीं कब रुकेगी यार भयंकर। 10:30 बज चुका है एंड खाना जाके आया तो फटाफट से खा लेते हैं। हम यहाँ से सब जा रहे हैं घर की ओर,
बारिश में भीगते भीगते। वैसे तो काफ़ी रुक गई है, थोड़ी बहुत रह गई। ये देखो गाइस, एलियन, ये देखो, ये देखो, और इन्हें देखो। तो यार फाइनली हम तो पहुंचे हैं कमरे में, भीग भीग के एंड रात भी चल रहा है। तो फिलहाल सारा कुछ हो चुका है, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, डिनर भी हो गया। काफ़ी लेट हुआ डिनर के लिए, बहुत उठना पड़ा, बट ठीक है, खाना टेस्टी था, वो अच्छा था। तो यार आज का ब्लॉग इतने रखते हैं, आई होप कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बैठे के भी शॉर्ट मिलते हैं, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन।